जिला परिषद हमीरपुर की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों का अनुमोदन करने के अलावा 5 स्थायी कमेटियों का गठन किया गया जो जिला में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेगी। जिला परिषद हमीरपुर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की अध्यक्ष बबली देवी ने की। बैठक में नगर परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार, जिला पंचायत अधिकारी सहित जिला परिषद के सभी वार्डो के सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला परिषद के सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों से गत बैठक में शामिल न होने पर भी सवाल किये। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए जिला परिषद की अध्यक्ष बबली देवी ने बताया कि बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा विकास कार्यों को लेकर जिला परिषद के सदस्यों द्वारा दिए गए अनुमोदन पर चर्चा की गई और उसे पारित किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को विकासात्मक कार्यों में हो रही देरी पर सवाल किए गए और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। का आयोजन किया गया जिसमें विभाग के विभिन्न अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें जिला परिषद मेंबरों द्वारा कुछ उनसे सवाल पूछे गए और जिनके उन्होंने जवाब भी दिए और उनसे बस यही अनुरोध किया गया कि जो भी कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त सेल्फों का 2021-22 की सेल्फों का अनुमोदन किया गया और जिला परिषद की 5 स्थायी कमेटियों का भी गठन किया गया। इन कमेटियों का जिला स्तर पर जो भी कार्य होता है वो इन कमेटियों द्वारा ही किया जाता है। धन्यवाद। इसमें जैसे PWD के द्वारा उठाए गए प्रश्न थे, IPH विभाग द्वारा के प्रश्न थे और उनसे बस यही अनुरोध किया गया कि जनता की जो भी कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए।